Hey guys, good morning. Welcome back to our new vlog. आज हम आ गए हैं दिल की दिल्ली कैनॉट प्लेस. आज हम कुछ बहुत सारी चीज़ें रैंडम करने वाले हैं और इस व्लॉग के एंड में हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर आमिर खान की मूवी का शूट हुआ था. तो बनिए रहिएगा व्लॉग के एंड तक. मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दी वाइब्रेंट टेल्स. हम सब तीनों एक ही टाइमिंग पर निकल पड़े और डिसाइड किया कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मिलते हैं सारे गेट नंबर 3 पर. सो गाइस हम पहुंच चुके हैं. तो देखते हैं कहां पे है. अरे सौरभ क्या आज सौरभ भी आ गया. ये एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं. आज चेयर्स का मिलते हैं. चेयर्स भी आ गए. तो गाइस हम आ गए हैं दिल्ली के सेंट्रल पार्क. और अगर सेंट्रल पार्क के लोकेशन की बात की जाए तो यह है राजीव चौक. ये सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है राजीव चौक. राजीव चौक के बहुत सारे गेट्स हैं. कोई भी गेट्स आप एग्जिट ले सकते हैं क्योंकि सेंट्रल पार्क राजीव चौक के सेंटर में है. तो आप यहाँ किसी भी गेट से एग्जिट लेके आ सकते हैं. सो गाइस NDMC फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है अभी सेंट्रल पार्क में जो हर साल 9th और 10th मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाता है. टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है. यहाँ पे देखो वाइट फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स. और यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये NDMC लिखा हुआ है पूरा का पूरा फ्लावर्स के अंदर. जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. और ये पता नहीं क्या बना रखा है इन्होंने. कौन सी बर्ड है, क्या है? गरुड़. गरुड़ है. ग्रेट यार, स्मार्ट लग रहे हो अमित भाई. सौरभ भी स्मार्ट स्मार्ट है. सही बात है, हमें कोई नहीं लेता अगर स्मार्ट नहीं होते. बात तो सही है. समीर तेरा चचेरा भाई जिराफ तेरी तरह लंबा. जाके खड़ा हो जा बगल में. मैच हो रही है ना. ऑलमोस्ट. तो गाइस यहाँ पहुँचे, हमें पता चला कि यहाँ पे NDMC ने फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रखा है 9th और 10th मार्च के लिए. और कुछ यहाँ पे फंक्शन भी चल रहा है और आगे कोई कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट भी स्टार्ट होने ही वाला है. तो पता नहीं हमारा लकी डे था या क्या. लकी डे है, लकी डे था. ये अभी लाइव कॉन्सर्ट हम लोग आपको दिखाएंगे. यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है बट वो थोड़ी देर बाद होगा, जब अंधेरा होगा ना तब होगा वो. एक्चुअली लाइट एंड साउंड शो भी है साथ में. तो तुम लोग मतलब परफॉर्म करने वाले हैं? हम क्यों करेंगे, हमने आज तक कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया. इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर. इन लोगों को मैंने बोला एक दो लोगों से पूछ लो कि भाई तुम लोग इंटरव्यू दोगे, दोनों की हालत फेल हो गई. नहीं मैंने पूछा है, ये झूठ बोल रहे हैं. मैंने पूछा है, इस बंदे ने नहीं पूछा है. नहीं हो पाता भाई. मैं कॉन्फिडेंस लूज वैसे ही हो जाता है. लड़कियों ने वैसे ही मना कर दिया. नहीं ऐसा है कि मैं तो मेरे बच्चे नहीं है ना, तो मेरी बीवी छोड़ के जा सकती है. इनके तो बच्चे हो गए, इनकी बीवी छोड़ के नहीं जाएगी. तेरी बीवी सुन रही होगी, देख लियो घर जाके पढ़ेगा तेरे. तो मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला भाई, मैं किसी गैर. अच्छा गाइस ऐसा हो सकता है कि अगली वीडियो में ना आए ये. हाँ तो हैरान मत होना. मेरा मुंह तो निकल के मरी जाऊंगा भगवान, बचा मेरी मम्मी मेरी बात. मेरी जबान टूट गई यार. क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा. 2000 years later. ये बैठे हैं दोनों यहाँ पे. क्या हो गया यार, ऐसे मायूस से बैठे हुए हो. Yeah, baby.
तो गाइस फ्लावर एंड कॉन्सर्ट देख के मज़ा आ गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं अग्रसेन की बावली देखने और यहाँ से हम ऑटो पकड़ के निकलने वाले हैं, तो चलिए वहाँ चलते हैं। भीख मांग रहा है यार, खिला रहे बेटा, खिला रहे। अभी देंगे देंगे आप। सो गाइज एज वी प्रोमिस्ड हम आ गए हैं उग्रसेन की बावड़ी। लोग इसको अग्रसेन, मैं भी एक्चुअली इसको अग्रसेन की बावड़ी बोलता था, बट ये उग्रसेन की बावड़ी है। ये नियर बाई है आपके सेंट्रल पार्क से। आप एक ऑटो करके 80 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स वो आप चलेंगे और आ जाएंगे आप यहाँ पे उग्रसेन की। तो गाइस फाइनली हम आ गए अग्रसेन की बावली और ये एक स्टेपवेल कुआं हुआ करता था जो बेसिकली वाटर स्टोर करने के लिए बनाया गया था। बट इससे कोई प्रूफ नहीं है, इंटरनेट में भी कुछ खास बताया नहीं गया है कि ये अग्रसेन किंग ने ही बनवाया था या किसी और ने बनवाया था। बट इसी जगह पे पीके मूवी की भी शूटिंग हुई थी, आमिर खान इन्हीं के लिए सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। और आज के टाइम पे ये स्पॉट सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए और कपल्स के लिए हो गया। अगर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो दुनिया भर के लोग आ रखे हैं यहाँ पे। ये टूरिस्ट स्पॉट भी है क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज मतलब बाहर के देश के लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं। यस, सो योर नेम इज मार्टिना, आई एम फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी, ओके, वेलकम टू इंडिया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी नाइस, इट्स वेरी इंप्रेसिंग एंड आई लाइक्ड इट। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू गाइस, डिड यू लाइक इट? यस, ऑफ कोर्स। ओके, एंड हाउ डिड यू लाइक दिस कैनॉट प्लेस? वी लाइक इट मच। वी हैव बीन एट टेंपल बंगला साहिब। Okay. Gurdwara. Okay. Okay. Yeah. After that, we came here to okay, take good. Some photos and show her how beautiful Delhi is. Okay, that's good. Did you get chance to visit the Prachin Mandir, Hanuman Mandir? No, not yet. I don't know what that is. Maybe okay, if you get a chance, do visit there. Maybe you can share a link or picture. Yeah, sure, absolutely. Okay. I can share right now. Okay. Okay. So thank you, guys. Yeah. Bye. Bye. I'm from Rajasthan. Did you get any chance to visit Rajasthan? No, Rajasthan. Yes. We were in Jaipur. Yeah. Yes. So how was your experience about Jaipur? Oh, it was a beautiful city. Really beautiful. Yes. I am from Jaipur, Rajasthan. One more candidate. इसी के साथ हमने अंग्रेजों को अलविदा बोला और हम निकल चले मेट्रो स्टेशन की तरफ, घर को वापस लौटने के लिए। छपरी छपरी है, छपरी की पहचान ऐसे होती है। टैलेंट है भाई, वो टैलेंट हर कोई नहीं दिखा सकता। दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस, जय श्री राम।